हम जानते हैं कि आजकल आप सब लोग आईपीएल के मैच देखने में व्यस्त हैं, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ देश के गंभीर विषयों के बारे में भी आप सबको जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को भ्रष्टाचार से पैसा कमाने की आदत पड़ चुकी है और आपको भी उन्हें बर्दाश्त करने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन आज ऐसे मामलों में पकड़े जाने के बाद अब आज भी हमारे देश के नेताओं को अभी इसकी आदत नहीं पड़ी है। आज देश के 14 विपक्षी दलों के नेता मिलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने एक अर्जी लगाई कि भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे विपक्षी दलों के नेताओं को ईडी और सीबीआई से राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बेवजह शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस देश में नेताओं के लिए अलग कानून नहीं बन सकता। इसलिए आज हम इस खबर का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको बताएंगे कि जो विपक्षी दल संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें आखिर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई से बचने के लिए विशेष छूट उसी संविधान से, उसी अदालत से क्यों चाहिए। इस खबर को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि इन विपक्षी दलों ने अपनी याचिका में क्या आरोप लगाए हैं और इन आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने क्या मांग की थी। तो यह पूरा मामला 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जब विपक्ष के 14 दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और इस याचिका का एक लाइन में सार यह था कि केंद्र सरकार विपक्ष को डराने के लिए सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इन एजेंसियों द्वारा विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है ताकि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर दें और डर जाएं। विपक्ष के जिन 14 दलों ने संयुक्त रूप से इस याचिका को दायर किया, उनमें कांग्रेस पार्टी के अलावा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, लालू यादव की पार्टी आरजेडी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, शरद यादव की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके और लेफ्ट पार्टियों से सीपीएम और सीपीआई भी इस याचिका का हिस्सा थी। तो अब आप सोच लीजिए कौन सी पार्टी बची है। सारे के सारे जो भी विपक्षी दल हैं वो सब के सब एक साथ आ गए। मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई और इतना बड़ा मुद्दा इससे पहले कभी आया होगा जब सारे विपक्षी दल इस तरह एक साथ मिलकर एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट चले गए होंगे। यानी अगर आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार के मुद्दे ने इन सारे विपक्षी दलों को एकजुट कर दिया है और इन विपक्षी दलों ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से जो बातें कही हैं वो जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले इस याचिका में विपक्ष के इन तमाम नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के मामलों में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं और इस कार्रवाई के पीछे केंद्र सरकार का दबाव है। इसके लिए इन पार्टियों ने अपनी याचिका में कुछ आंकड़े भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए। क्या आंकड़े हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। इन आंकड़ों में बताया गया है कि वर्ष 2004 से लेकर 2014 के बीच जब भारत में यूपीए की सरकार थी, उस समय ईडी ने कुल मिलाकर 26 नेताओं के खिलाफ जांच की थी, जिनमें तब सिर्फ 14 नेता ही विपक्ष के थे और बाकी के 12 नेता सत्तारूढ़ पार्टियों से थे। इसी तरह सीबीआई ने भी यूपीए की सरकार के दौरान कुल 72 नेताओं के खिलाफ जांच की, जिनमें सिर्फ 43 नेता विपक्ष के थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों की शिकायत यह है कि जब से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और जब से सरकार में नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां केवल और केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही हैं। और इसी याचिका में यह बताया गया है कि 2014 के बाद से अब तक सीबीआई और ईडी कुल मिलाकर 245 नेताओं के खिलाफ अलग अलग मामलों में कार्रवाई कर चुकी है, जिनमें से 233 नेता विपक्षी दलों के नेता हैं। यानी विपक्ष ये कह रहा है कि पहले ये एजेंसियां विपक्ष के नेताओं पर भी कार्रवाई करती थी और सत्तारूढ़ पार्टियों के नेताओं पर भी कार्रवाई होती थी, समान रूप से कार्रवाई होती थी, लेकिन अब सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई हो रही है और यह सब राजनीतिक कारणों की वजह से हो रहा है। हालांकि यह पक्ष इन विपक्षी दलों का है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष यह भी हो सकता है कि पहले इन जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने की पूरी स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन अब ये एजेंसियां खुलकर
कार्रवाई कर पा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध के मामलों में कार्रवाई पार्टी देखकर नहीं की जा सकती और ना ही ऐसा होना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि लोकतंत्र और सत्य की बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये तमाम विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट से असल में भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई से बचने के लिए अपने लिए एक स्पेशल डिस्काउंट मांग रहे थे। इन सभी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से 4 मांगे की हैं, जो आप सबको पता होनी चाहिए क्योंकि आप देश के आम नागरिक हैं। और देखिए कैसे ये नेता ये चाहते हैं कि इन्हें आम नागरिक की तरह ट्रीट ना किया जाए, इन्हें यहां पर भी वीआईपी डिस्काउंट मिले। तो 4 मांगे इन्होंने की हैं। पहली मांग ये कि जब तक किसी विपक्षी नेता के खिलाफ शारीरिक हिंसा से जुड़ा कोई मामला ना हो तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर किसी विपक्षी नेता ने कोई घोटाला किया भी है तो उसे गिरफ्तारी से डिस्काउंट मिलना चाहिए। घोटाले वगैरह के जो मामले हैं इसमें गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए नेताओं की। दूसरा, गिरफ्तारी और रिमांड के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को अपनाया जाए। अब ये जो ट्रिपल टेस्ट है ये क्या है? ट्रिपल टेस्ट ये कहता है कि किसी भी नेता को तभी गिरफ्तार करना चाहिए जब उसके विदेश भागने की आशंका हो या उससे ये डर हो कि वो बाहर रहकर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है या अपने मुकदमे से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकता है। यानी ये 3 टेस्ट ऐसे हैं, अगर इन तीनों में पास हो जाता है नेता, अगर लगता है कि नेता ये सब काम कर सकता है तब तो उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नेता बहुत बड़े परिवार का है, शरीफ आदमी है और इस केस को प्रभावित करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा तो फिर उसे गिरफ्तार ना किया जाए, फिर उसे बाहर ही रहने दिया जाए। तीसरी मांग इसमें यह थी कि गिरफ्तार करने वाले नेताओं को जेल भेजने की बजाय उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। और चौथी मांग ये कि ऐसे मामलों में जो गिरफ्तारी होती है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट को अलग से गाइडलाइंस बनानी चाहिए और इन सभी मामलों में न्याय के उस सिद्धांत का पालन होना चाहिए जो कहता है कि जब तक कोई आरोपी दोषी साबित नहीं होता तब तक वो बेकसूर ही माना जाएगा। लेकिन विरोधाभास देखिए कि अपने मामलों में तो ये विपक्षी दल अदालत में ऐसा कह रहे हैं, लेकिन गौतम अडानी के मामले में इन्हीं दलों ने सरकार को और प्रधानमंत्री को बिना किसी अदालत में हुए ट्रायल या जांच के पहले ही दोषी घोषित कर दिया है। और यहां बात सिर्फ गौतम अडानी की नहीं है, हम यहां पर गौतम अडानी की कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको बस ये बता रहे हैं कि इस मामले में अभी तक कोई जांच नहीं हुई, जो जांच हो रही है उसका नतीजा नहीं आया, लेकिन अभी तक विपक्षी दलों ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया है। दूसरा उदाहरण आपको देता हूं, रफाल के मामले में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने बिना किसी अदालत के आदेश के आए, बिना किसी जांच के चौकीदार चोर है का नारा पहले ही लगा दिया था। लेकिन क्या यह नारा किसी अदालत ने दिया था? क्या किसी अदालत में यह बात साबित हुई थी कि चौकीदार चोर है? सुप्रीम कोर्ट ने तो रफाल की डील के मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों ने इससे पहले ही मोदी सरकार को दोषी करार दे दिया था और कह दिया था कि चौकीदार ही चोर है। बाद में राहुल गांधी को इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी। आज इस याचिका की एक कॉपी मैं अपने साथ लेकर आया हूं और इसमें क्या लिखा है आज मैं आपको वो सारी बातें, इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने की और इस दौरान अदालत ने 4 बड़ी बातें कही। पहली बात, अदालत ने सबसे पहले यह सवाल पूछा कि क्या इन विपक्षी नेताओं के खिलाफ कोई जांच या मुकदमा नहीं होना चाहिए और क्या हमारे देश के नेताओं के पास कोई विशेष अधिकार है। दूसरी बात अदालत ने कही कि नेता भी इसी देश के नागरिक होते हैं और इस देश में जो कानून बाकी लोगों के लिए है वही कानून नेताओं के लिए भी है और इसीलिए नेताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट अलग से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं कर सकता। तीसरी बात कोर्ट ने यह कही कि अगर विपक्ष को यह लगता है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई से उसका महत्व कम हो रहा है तो इस समस्या का इलाज विपक्ष को राजनीति में ढूंढना चाहिए ना कि अदालतों में। और चौथी बात यह कि इस मामले में विपक्षी दलों के वकील अभिषेक मनु सिंघवी थे जिन्हें अदालत ने यह सुझाव दिया कि उन्हें यह मुद्दा कोर्ट में नहीं बल्कि संसद में उठाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े जाने माने वकील हैं, देश के सबसे महंगे वकीलों में से हैं और एक केस की सुनवाई के लिए करोड़ों रुपए की फीस लेते हैं। और सोचिए ये जो पार्टियां खुद को गरीबों का मसीहा बताती हैं, अगर आप इन सब पार्टियों के जो नाम हैं अगर आप सुनेंगे तो ये सारी पार्टियां वो हैं जो गरीबी को मुद्दा बनाकर बनी हैं। इन सारी पार्टियों के नेता वो हैं जो अपने आप को गरीबों का नेता कहते हैं, पिछड़ों का नेता कहते हैं, किसानों का नेता कहते हैं,
अपने आप को समाजवादी कहते हैं और कहते हैं कि हम गरीबों के उत्थान के लिए राजनीति में आए हैं। तमाम नेता वही हैं अगर आप देखेंगे तो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो। तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी आपने देखा होगा हवाई चप्पल पहनती हैं, सूती साड़ी पहनती हैं। आम आदमी पार्टी हो, वो तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही सरकार में आई थी, राजनीति में आई थी, ये कहते हुए कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रही, ये कहने के लिए नहीं जा रही कि भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। भ्रष्टाचार के मामलों में अपने नेताओं को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। और सोचिए, सारी पार्टियां जो अपने आप को गरीबों की पार्टी कहती हैं, कम्युनिस्ट पार्टी आप देख लीजिए, ये सब पार्टियां एक ऐसे वकील को एंगेज करती हैं, अभिषेक मनु सिंघवी को, जिसकी फीस करोड़ों रुपए में है। और आज बड़ा सवाल इन सारे नेताओं से यह पूछना चाहिए कि अभिषेक मनु सिंघवी ने या तो यह पूरा मामला मुफ्त में लड़ा होगा, यानी ये पूरी जो तैयारी हुई है, अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए हैं इस अदालत में, या तो वो ये कह दें कि उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। और अगर उन्होंने अपनी रेगुलर फीस ली है जो कि लाखों करोड़ों में होती है, तब हम इनसे ये पूछना चाहेंगे, इन सारे नेताओं से, कि इन सारे नेताओं के पास अभिषेक मनु सिंघवी की फीस देने के लिए ये पैसा कहां से आया है? क्या ये पैसा ये नेता अपनी जेब से दे रहे हैं या अपनी पार्टी के फंड से दे रहे हैं? पार्टी के फंड में भी ये पैसा कहां से आया है? और अभिषेक मनु सिंघवी को आज के इस मामले में अपीयर होने के लिए, पूरी तैयारी करने के लिए, ये पैसा किसने दिया और वो पैसा कहां से आया, जो कि बहुत बड़ी रकम रही होगी। अभिषेक मनु सिंघवी इस देश के सबसे महंगे वकील हैं। यहां एक दिलचस्प बात यह भी है कि कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद आज अभिषेक मनु सिंघवी ने विपक्षी दलों की इस याचिका को वापस ले लिया और कहा कि जब उनके पास मजबूत तथ्य होंगे तब वो इस मामले को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट आएंगे। All cases involve opposition leaders as far as the political sphere is concerned. That, according to us, skews democracy, makes democracy one-sided and lopsided, and in that in turn affects negatively basic structure. भ्रष्टाचार करने से तो बाज आते नहीं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद जब जांच शुरू होती है तो कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी सदन रोकने का काम करते हैं, सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जनता में भी इनका चेहरा बेनकाब हुआ है और कोर्ट में भी असलियत जानने का मौका मिला है। जांच में सहयोग करें और जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई।